दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है वार शुक्रवार और अभी मैंने संतोषी माता का व्रत कर रखा है, तो मैंने कहानी अपनी कथा जो करते हैं ना वो कर ली है और चाय पी ली है। तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और आज फोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया। और मैं जब से सुबह से उठी ना, तब से मैं फ़ोन को उठा उठा के बार बार मैं देख रही थी, अरे नेट नहीं चल रहा। फिर मैंने अपने बेटे वाले फ़ोन पे रिंग करी, वहाँ वो भी नहीं गई। फिर वो उठा तब मैं बोली, बेटा पता नहीं इसको ऑफ करके ऑन करना, आज नेट नहीं चल रहा। फिर उसने देखा, बोले मम्मी रिचार्ज ही ख़त्म हो रहा है। तो फिर रिचार्ज करवाया फ़ोन का, और मेरे को तो देखो यार ये भी नहीं पता रिचार्ज ख़त्म हो रहा है। मैंने देखा ही नहीं का कितने दिन का था मतलब रिचार्ज, तो रिचार्ज ख़त्म हो रहा था तो फिर वो रिचार्ज करवाया है अभी। और अभी देखो पीछे बेड है वो भी ऐसे ही पड़ा है, उसको इग्नोर करना अभी करूँगी। और झाड़ू पोछा लगाऊंगी, झाड़ू तो लगा ली है। और अभी किचन विचन सब ऐसी फैली पड़ी है, तो अभी उसको बनाना शेक बना के दिया है, अभी वो पिएगा। और अंजलि है वो उठ चुकी है, उसने पी लिया अपना बनाना शेक। और आज सर में मेहंदी वो कलर करूंगी, ये देखो फिर से सारे वाइट वाइट हो गए, तो आज इसमें कलर भी करना है, ज़्यादा ही वाइट हो गया, बिल्कुल ही ज़्यादा ही हो जाते ना, तब मजबूरी में फिर करना पड़ता है, वरना मेरे को से नहीं होता। तो अभी मेहंदी ना वो लग, मेहंदी तो क्या है वो है, वो 5 मिनट वाला है, वो कलर लगाती हूँ मैं, तो वही सही सूट कर रहा है मेरे। मतलब बाल बहुत झड़ते थे यार, पता नहीं किसी के तो नहीं करता लेकिन मेरे तो करता है। मेरे तो बाल झड़ने भी कम हो गए, और वैसे मैं कटिंग करा ली थी मैंने बालों को, मेरे को अच्छे नहीं लगते, मैंने कभी बाल बढ़ाए नहीं, मेरे को बढ़े हुए बाल अच्छे नहीं लगते, सही बता रही हूँ मैं। बस अपना डेली डेली वॉश कर लूँ, ऐसा काम हो जाए। इसके पापा तो कई बार हंसी कर दें, बोले बॉय कटिंग करवाया, बोले बॉय कटिंग तो अच्छी नहीं लगेगी, बॉय तो नहीं करा सकती मैं। लेकिन बस हैं जितने हैं ना उतने ही ठीक है बस। तो अभी चलिए आगे के काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, ना वो भी ऐसे ही फैली फैली पड़ी है, और ये बर्तन ये क्लीन करूँगी। अंजलि के पापा को नाश्ता बना दिया है, वो गए अपनी ड्यूटी पे, बेड है इनको साफ़ करूँगी। और ये देखो ना के टावल यहीं छोड़ जाते हैं, वो भी ये उठा के रखूँगी। पापा बेटे दोनों में ही आदत है, ये ना के टावल यहीं रहता है। और आज उसकी अंजलि की थोड़ी तबीयत ढीली है, उसका पता नहीं पेट दर्द पैर दर्द हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है रात से ही, तो वो लेटी पड़ी है अभी। ये देखो वो लेट रही है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं फटाफट सुबह के काम और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ मंगोड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरा शुक्रवार है, तो अपने लिए बना रही हूँ। इनके लिए रखी हुई है वो तोरी वाली, तो ये तोरी के खा लेंगे। और मैं अपने लिए सिंपल सी मंगोड़ी की बना रही हूँ। इधर मैंने कुकर रख दिया है और दूध मेरा गर्म हो चुका है, और अभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ मैं खा रही हूँ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, तरबूज। और 11 बज चुके हैं, तो मेरे को सुबह सुबह खैर आदत है नाश्ता करने की, तो आज शुक्रवार है तो और कुछ खा नहीं सकती, तो मैंने तरबूज काट लिया और तरबूज खा रही हूँ। आप लोग भी आजिए खाने के लिए। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो चुका है, और आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है यार। और ये देखो कल जो जलेबी बनाई थी उनमें से ये थोड़ी सी बच रही है। और इधर ये मैंने सब्ज़ी बना ली है, 7:30 हो चुके हैं। ये देखो सब्ज़ी मैंने आज कैरी और जो पेठा होता है ना उसकी बनाई है, थोड़ा मीठा डाल के आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और अभी अंजलि है वो पढ़ रही है, आज उसकी तबीयत ख़राब हो रही है यार कल से ही। और आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बाहर बहुत बुरी तरह आंधी आई थी, थोड़ी बहुत बस ऐसे ही 1-2 बूंदें आई थी, बारिश तो कहाँ है। और ये इधर मैंने राबड़ी बना ली, और अभी आटा लगाऊंगी मैं और फिर मिलूंगी आपसे आटा लगाने के बाद। तो यार मेरे को फ्रिज भी साफ़ करना है लेकिन नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता पता नहीं। और ये सॉस मंगाया था आज, सॉस ख़त्म हो रहा था। तो और इधर मैंने अपने लिए ये जो मग रखा है ना इसमें अपने लिए आइसक्रीम जमा रखी है, क्योंकि मैं ना मेरे से वो यार चाय पीने का मन ही नहीं करता व्रत करके, आज मेरा शुक्रवार है इसलिए। और इसका ढक्कन है ना नया आया था ना, तभी इसका टूट चुका था ढक्कन नए फ्रिज का ही। और लाइट आज सुबह से आ रही है जा रही है, बड़ा पंगा हो रहा है लाइट का भी। तो दोस्तों चलिए आज पौधों में पानी डालते हैं। छुट्टू छुट्टू से बहुत सारे
सीढ़ियों में रखे हुए हैं। कद शाह कभी याद नहीं रहता शाम को, कभी डाल देती हूँ कभी रह जाता है। इसमें तो जगह ही नहीं है, जबकि जब थोड़ा डालते ही भर जाता है ये तो। इसमें खोदी मारनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बहुत यार बहुत गर्मी हो रही है, देखो पसीने कैसे आ रही है। अभी पोछा लगा के आई हूँ मैं और पौधों में पानी डाल के आई हूँ। सौ चढ़ गया सीढ़ियों में, ऊपर नीचे घूमने से। तो अभी मैं कुछ आके काम कर लेती हूँ, और जैसे ही पसीने आते हैं ना पूरे पे खारिश होने लगती है, देखो पसीना कैसे हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी देर पसीना सुखा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज इसने और अपनी चट्टी गूद के कर रही है, कितनी मस्त चट्टी लग रही है इसकी। इसको गर्मी लग रही थी तो इसने ऐसे बना ली। वाकई में मस्त लग रही है, मजाक नहीं कर रही। देख कितनी मस्त वाली लग रही है बिल्कुल। दोस्तों मैं यहाँ कर रही हूँ कलर। कितने दिन हो गए, परसों करती करती। और कल भी अंजलि के पापा बोल रहे थे, आए तो बोले ऐसे बोल रही थी कलर कर का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं ये वाला करती हूँ। ये देखो ये रहा स्टिक्स वाला, और मेरे तो अच्छा सूट कर रहा है। 5 मिनट लगाना होता है। अभी मैं निकालूँगी, आपको दिखाऊँगी कैसा निकलता है ये। तो ये देखिए गाइस, ये ऐसा निकलता है, ये देखो। और मेरे तो जड़े जड़े सारी वाइट हो रही है, और तो कहीं से ही नहीं हो रही, तो जड़ों जड़ों में लग जाता है बस। वो 5 मिनट लगा के और फिर वॉश कर लूँगी। 5 मिनट लिख रहा है, मैं 10 मिनट लगा लेती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं लगाती। और वैसे इसको 5 मिनट लिख रहा है तो 5 ही मिनट लगाना चाहिए, पर मैं ऐसे सोचती हूँ क्या पता कभी लगे, मेहनत करी कराई सफल ना हो, तो मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ इसको। और ये देखिए इसके अंदर आते हैं 2 ग्लव्स, तो मैं तो एक से ही लगाती हूँ। ये दो जोड़ी हैं ग्लव्स, दोनों हाथों के, मतलब एक जोड़ा है, तो ये ग्लव्स भी इसके साथ ही आते हैं। और ये पहले 20 का आता था, अब तो 25 का आता है। ये देखो 25 लिख रहा है। और ये जो ब्लैक कलर का आता है ना, वो नहीं लेके आना चाहिए, जो मतलब ब्राउन लिखा होता है ना उसका नेचुरल ब्लैक कलर आता है, और जो ब्लैक वाला होता है ना उसका तो बिल्कुल डार्क वाला ब्लैक हो जाता है। तो मैं तो जो ब्राउन लिखा होता है ना वो लेके आती हूँ, तो नेचुरल बाल जो अपने होते हैं ना वैसा आता है इसका कलर। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ, मैं बूढ़ी से जवान बन जाती हूँ, थोड़े बाल वाइट हो रहे हैं, सारी बूढ़ी बूढ़ी सी लग रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी सी, तो कलर करके जवान बन जाते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कलर है ना वो कर लिया, और अभी 5 मिनट तक रखूँगी इसको, और उसके 5 मिनट तक रखूँगी इसको, फिर वॉश करूँगी इसको। बस सारे में लगा लिया है, तो अभी वॉश करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं अपना सारा वो धुल के आ चुकी हूँ, और अभी वॉश कर लिया मैंने, बस सिर्फ सिंपल पानी से ही किया है आज मैंने, कोई वो नहीं मतलब शैम्पू नहीं किया, कल शैम्पू कर लूँगी, आज सिंपल पानी से कर लिया, क्योंकि शैम्पू वाला तो ये आता ही है, तो मतलब एकदम में जो अपन डेली करते हैं ना उस शैम्पू से नहीं करते, बस सिंपल पानी से कर लेते हैं, और फिर कल शैम्पू से कर लूँगी मैं। तो अभी मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। तो राबड़ी वगैरह है ना वो तो मैंने मिक्स करके रख दी थी, लस्सी वो रखी, तो अभी बना लेते हैं रोटियां। और 12:30 हो चुके हैं, और अंजलि के पापा का भी खाना देना है। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और इधर ये चने रखे हैं, अभी इनको डालूँगी मैं, सोच रही हूँ स्ट्रीट का जो मेरे पास है ना ड्रम है 7 किलो का, उसमें डालूँगी इनको। तो चलिए दोस्तों खाना बना लेते हैं जल्दी से। दोस्तों ये पचरंगा अचार है, और ये बहुत टेस्टी अचार आता है, मेरे पास बोतल डब्बे रखे हैं इसके, क्योंकि हम तो वहीं से मंगाते हैं, पानीपत से मंगाते हैं। देखो बहुत अच्छा अचार आता है, मिक्स वाला अचार है। ये देखिए दोस्तों, आज बारिश और आंधी आई थी अभी 3:30 बजे के करीब, और ये देखो बालकनी कितनी सुंदर हो रही है, अभी तक पूरी में देखो मिट्टी मिट्टी हो रही है, जब भी आ रही है देखो हवा चल रही है, कैसा मौसम हो रहा है, ये देखो बादल ऊपर, और ये देखो पौधे धुल गए, साफ साफ हो गए बारिश आने से, ये देखो चारों तरफ,
रोड पे थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, तो अभी बरसात आई थी और भी आएगी। अभी मौसम साफ नहीं हुआ, देखो गरजने की आवाज़ आ रही है। और ये देखो अंदर से निकल रहा है, और सेम सेम टी शर्ट दोनों की सेम सेम। क्यों कर रहा है ऐसे? तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ कैरी की सब्ज़ी। तो मैंने कैरी थी ये चार, इनको छील लिया और अभी प्याज कट करूँगी और मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ। थोड़ी ग्रेवी करती हूँ गुड़ डाल के, वैसे बनाती हूँ, बिल्कुल सूखी वाली नहीं बनाती। और ये देखो लाइट नहीं है, 3 बजे से लाइट जा रही है, 2:30 बजे से। तो सारा फ्रिज का पानी निकल के सारे हो रहे, तो अभी पायदान डाला है नीचे, तो मैं भी इनको कट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ कढ़ाई मैंने रख दी है, आज लाइट तो है नहीं तो गैस पे ही बनाएंगे। और अभी इसमें डालेंगे ऑयल, इसको निकालूंगी उसमें तेल वाले में, कल भी नहीं निकाला, याद ही नहीं रहा। और आज मौसम ख़राब हो रहा है, बाहर थोड़ी बारिश आई है तो अंदर इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि अब खड़ा भी नहीं रह जाता, और लाइट है नहीं 2:30 बजे की। मैंने यहाँ प्याज कट कर लिए हैं और इधर ये गुड़ है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के यहाँ रख लिया, और इधर ये कैरी है छील के रख दिए, इनकी जो बीच की जो गुट्ठी होती है ना वो निकाल के बाहर डाल दिए। तो अभी एडजस्ट फैन चलाइयो। तो अभी मेथी और सरसों से इसका तड़का लगाएंगे सब्जी में। तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च जो अपन बेसिक से सब्ज़ी में डालते हैं ना, वो मर्च मसाले डाल के इसमें पानी मिक्स कर लिया। और अभी ये प्याज थोड़े पक जाते हैं फिर इसके अंदर डाल लेंगे इनको। प्याज का कलर तो देखो चेंज हो गया, लेकिन थोड़ा सा और पक जाते उसके बाद डालेंगे इसमें। तो ये प्याज पक चुके हैं और अभी इसमें डाल देते हैं सारे मसाले, जो डाल दें एकदम। अभी नहीं डालना, रुको, अभी इसमें थोड़ी सी और ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालेंगे। अभी इसमें और पानी डाल दिया और अभी इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों अभी इसमें गुड़ मिक्स कर देते हैं। तो अभी इसमें ग्रेवी देखो थोड़ी थिक हो गई है गुड़ डालने के बाद, और चाहिए ना तो आप और भी मतलब इसमें और पानी डाल सकते हो ग्रेवी के लिए, लेकिन मैं अभी देखती हूँ। अभी ये कैरी डालेंगे और इन कैरियों को तो आपको पता है जल्दी पक जाती है, इसीलिए मसाला और ये गुड़ पहले पका है, और अभी इसको 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी फिर। बस बहुत है। तो ये दोस्तों मेरे पास ये मेथी हमारे खेत की थी, मतलब खेत की सुखाई हुई मेथी थी, तो अभी इसमें थोड़ी सी ये मेथी भी मिक्स कर देते हैं सब्जी में। और ये देखो कैसे खिड़कियां भी हिल रही है, अभी वो गरज रहा है तो ऊपर बादल गरज रहे हैं इतनी बुरी तरह, पूरी खिड़की और ये टोकरी में बर्तन है ना ये भी सारे वो एकदम धड़ 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 कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी जो है अपने बन के हो गई है रेडी, और हम तो ग्रेवी वाली बनाते हैं, देखो सूखी कभी नहीं बनाते, सूखी कोई नहीं खाता हमारे, हम लोग तो ये ऐसे ही बना के खाते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हो मुझसे शेयर करना। तो ये था आज का कुछ वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे।
और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।